इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने टेक्नो पॉप 5 प्रो के मोबाइल फोन में एक सेटिंग मिल रहा है सी कॉलर एंड स्पैम आईडी का एंड फिल्टर स्पैम कॉल का, इस दोनों सेटिंग को इनेबल करने से क्या होता है और इसे ऑन रखना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मिलता है कैसे, चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ। इसके लिए आपको अपने टेक्नो पॉप 5 प्रो मोबाइल फोन के कॉल डायलर में जाना है और डायलर में जाकर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, सेटिंग पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कॉलर आईडी एंड स्पैम का, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए पहला सेटिंग इसमें मिल जाता है सी कॉलर एंड स्पैम आईडी का। तो दोस्तों ये सेटिंग तो अगर आपके फोन में इस तरीके से बंद है तो आपको ये सेटिंग ऑन ही रखना चाहिए, बाय डिफॉल्ट इसको ऑन रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी भी दोस्तों बिजनेस से जुड़ा हुआ नंबर से अगर आपको कॉल आएगा तो दोस्तों आपका मोबाइल जो है आपको दोस्तों जो है बता देगा कि ये नंबर किसी बिजनेस कंपनी से जुड़ा हुआ है या किसी स्पैम नंबर से कॉल आता है, तो आपका फोन आपको दोस्तों अलर्ट कर देगा कि ये एक स्पैम नंबर से आया हुआ कॉल है। क्योंकि दोस्तों गूगल के पास जो है हर एक नंबर का उसके पास डिटेल होता है और दोस्तों आजकल दोस्तों हर एक मोबाइल में गूगल का ही कॉल डायलर दोस्तों होता है, तो टेक्नो पॉप 5 प्रो में भी दोस्तों गूगल डायलर ही दोस्तों अब यूज हो रहा है। तो इस सेटिंग को आपको जब आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे तो अगर कोई भी स्पैम नंबर या कोई भी बिजनेस से जुड़ा हुआ नंबर से कॉल आएगा तो फोन आपको ये चीजें बता देगा या फिर अलर्ट कर देगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है फिल्टर स्पैम कॉल का। तो देखिए अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे तो इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों सभी नंबर का कॉल यहाँ पर हो सकता है ब्लॉक हो जाए। तो इसका आपको नुकसान दोस्तों ये हो सकता है कि अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो उसका कॉल आपके पास नहीं आएगा। अब मान लीजिए अगर आपका फ्रेंड आपका रिलेटिव ही कोई दोस्तों नया नंबर से कॉल कर रहा है तो दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे ऑन तो हो सकता है उसका कॉल आपके पास नहीं आ पाए, तो इसलिए आपको इस सेटिंग को बंद ही रखना चाहिए, इसका यूज नहीं करना चाहिए। सो इस तरीके से आप इस सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें।